फिरोज कांडी मार्केट में शेयर मार्केट और कमोडिटी यार्ड में लोगों को गुमराह करने के मामले को लेकर हिंदू शक्ति मोर्चा के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा कॉलोनी के अनिल जैन पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रोहित सानी, ऋषि जैन, रोहित शर्मा और शिकायतकर्ता अमित शर्मा ने आरोप लगाया कि अनिल जैन ने कई लोगों से ब्लैंक चेक और अष्टाम लिए हैं। वो चेक का गलत प्रयोग कर लोगों से धोखाधड़ी करता है। वहीं अनिल जैन से इस मामले में जब बात करने की कोशिश की तो वह आनाकानी करते रहे और उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं बोला। अनिल जैन जो वर्धमान फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से फिरोज गांधी मार्केट जी का दफ्तर है, ये सरकार के पैरलर जी लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लुधियाने चल रही है, वो पैरलर अपनी सरकार को धोखा दे के करोड़ों रुपए का चूना ला के एक अपनी प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज चला रहा है। वे खिलाफ पहला सोमिया जैन जी की साढ़े को एक कंप्लेट आई थी, उस कंप्लेट तो बाद साढ़े को लगभग चार कंप्लेटा होर आ चुकी और घट्टो घट भी 25 बंदे होर ने जोड़े पीड़ित ने। यह की करता है, बंदा कच्चे पक्के अकाउंट में ओपरेट ना करते हुए कच्चे अकाउंट खोल के लोगों को धोखाधड़ी देता है और 100 to 125 के बीच चैक 138 के जोड़े चैक ने इन्हें लोगों के चैक गिरवी रख के उन्होंने मिसयूज करके उन्होंने केस किए हुए हैं। मैं मीडिया राही प्रशासन पुलिस प्रशासन तो यह मंग करता कि जिथे प्रशासन छोटे छोटे बुकिया लाटरी माफिया मैच माफिया जोड़े बुकी ने उन्होंने कवर कर रहा उ बंदा उत्थे ही पैरलर इन्ना वड्डा साम्राज्य चला रहा है। कंप्लेट मेरी अगेंस्ट हैगी अनिल जैन दे जो कि फिरोज गांधी मार्केट के वर्धमान फाइनैशियल के नाते कंपनी रन कर रहा और मैनू बहला के फुसला के मेरे नाल शेयर मार्केट का काम मेरे नाल शुरू करके जेड़ा कि मेरे नाल ठगी की गई है, सरेआम ठगी की गई है और सरकार सब इस देख रही है, प्रशासन देख रहा है और मैं चाहना कि भी मेरी उस चीज़ लिए हेल्प की जाए और मैं उल्टा वो को पैसे लेने हैं वो उल्टा मेरे वाल कड़ी फिरदा और मैं चाहना कि पुलिस प्रशासन और मीडिया मेरी इस चीज़ लिए हेल्प करे और वो तो वह अगे आए और मैनू इस चीज़ लिए मेरी मदद की जाए ताकि मैं अनिल जैन के लिए जो संघर्ष शुरू किया यह उस चीज़ वास्ते सपोर्ट की जाए मैं ताकि आप जी ठगी हुई है मेरे नाल मैं उस ठगी तो बच सकता। अनिल जैन इतने का बुकी है स्टॉक मार्केट का, सोमिया जैन मेरी कजन है जिन्हें पहले कंप्लेट सब तो पहले की है तो उन्होंने थ्रू 4 लाख रुपया उन्हें मैं जमा कराया अनिल जैन जिस मैं 3 चैक भी दिए थे पक्के च काम करने वास्ते शेयर मार्केट में जिदे नाल उन्होंने पहले वो ठगी मारी तो जिन्हें उन्होंने लिंक के बंदे से सारे के पैसे इन्हें रोक ले तो सबनों यही कहता जी मैं तो ये काम ही नहीं करता ऑन द रिकॉर्ड विद वट्सअप चैट सारिया चीज़ा ये नाल है तो असी डी जी पी साहब कंप्लेट की है और ऑल जे इतने टैक्स बंदे है उन्होंने कंप्लेट की अज तक सूँ कभी कोई बिल नहीं दिता गया और ना ही ये कोई सुनवाई की गई है, हजे कंप्लेट पेंडिंग है तो मैं चाहवागा कि वो तो मीडिया ये गल पहुँचावे कि भी जो भी सच्चाई है वो सारे सामने ले जाए।